बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आम का अचार, जो सबको बहुत पसंद आता है और सब अपने किचन में रखना चाहते हैं और सभी बनाना भी चाहते हैं। तो इजली वे से आप इस तरह से आम का अचार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं ये 2 किलो आम। आजकल बहुत मिल रहे हैं आम का अचार के लिए, बहुत अच्छे से। तो इनको हमने अच्छे से धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया है। बहुत अच्छे से इनको धोकर पोंछ लें, क्योंकि फिर ये धुलेंगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें पानी की बूंद भी नहीं जाएगी। इस तरह से इसका टॉप काट लें पहले, और फिर इस तरह से, अभी इसमें गुठली नहीं है तो ये बहुत आराम से कट जाती हैं। इस तरह से इसको काट लें, और फिर इसके जितने भी बड़े आपको पीस पसंद हैं उस हिसाब से आप इसके पीस बना लें। ये आम का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और पंजाबी स्टाइल है। इस तरह से हमने इसके पीस बना लिए हैं। इस तरह से आप आम का अचार डालेंगे तो बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकेंगे, और सालों साल चलने वाला आम का अचार है ये। इसमें आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको 2 से 3 साल आराम से रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके अंदर का बीज है ये सब निकाल दें, और इसके भी आप 2 या 3 पीस बना लें, जितना भी बड़ा आप चाहते हैं। इस तरह से सारे आम के पीस बना लें। देखिएगा सब, मगर बस इसमें एक बात का ध्यान रखें कि इसमें कुछ भी पानी का नहीं डलेगा। चम्मच या प्लेट जो भी आप यूज़ करेंगे, सब बिना पानी का सूखा हुआ ही होना चाहिए। ये सब हमने इसके अंदर से जो था वो सब निकाल दिया है, और ये सब काट कर तैयार कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हमने 2 किलो आम लिए हैं, तो इसके हिसाब से 2 किलो आम में आपकी समझिएगा कि 125 ग्राम नमक डलेगा पूरा। अभी तो हमने आधा डाला है, और इस तरह से इसको आधा डालने के बाद किसी भी डब्बे किसी कंटेनर में भी आप इसको ओवरनाइट रख दें, जिससे जो हमने नमक डाला है वो इसका पानी, आम में जो पानी होता है वो बाहर निकल आएगा नमक से। इस तरह से एक कंटेनर में करके आप इसको ओवरनाइट रख दें, या 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आम अच्छे से गल भी जाएगा और इसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से इसको कवर करके रख दें। यहाँ पर ये सुबह को हम लेकर आए हैं धूप में सुखाने के लिए इनको। इस तरह से आप अखबार या पॉलिथीन जो भी है आपके पास उसको बिछा दें, और इस तरह से एक एक पीस रखते चले जाएं, अलग अलग रखें एक साथ नहीं, और जो इसका पानी है वो उसमें ही रहने दें। इस तरह से सब आम लगा दें। ये देखिएगा सब हमने सूखने के लिए रख दिए हैं, और जो इसमें डब्बे में पानी रह गया है आम का वो ऐसे ही रहने दी। और यहाँ पर हम इसको 5 से 6 घंटे हमने सुखा लिया है, इससे ज़्यादा नहीं सुखाया है। अगर ज़्यादा सुखाएंगे तो फिर ये सख्त हो जाएंगे और इनका रंग भी काला हो जाएगा। ये देखिएगा सारे के सारे आम अच्छे से सूख चुके हैं और थोड़े से नरम भी हो गए हैं। तो यहाँ पर अब चलिए बनाते हैं इसका मसाला। तो यहाँ हमने एक गैस पर पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर हमने 6 से 7 चम्मच सौंफ के लिए हैं, जो सौंफ मोटे वाली सौंफ होती है अचार की सौंफ, तो वो ली है। और 6 से 7 चम्मच हमने लेने के बाद इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। 2 चम्मच हमने इसमें मेथी दाना डाला है, और 2 चम्मच ही हमने ज़ीरा डाला है। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लें, ज़्यादा रोस्ट नहीं बस हल्का सा। और इसमें डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच ही हमने धनिया डाला है, और 2 चम्मच डाली है काली मिर्च। इनको अच्छे से सबको रोस्ट कर लें। काली मिर्च से बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत से लोग नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, मगर इससे बहुत अपना बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है अचार। इस तरह से इनको 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लें, क्योंकि ये फिर पीसने में आसानी होगी इनको।
और जो इनका मॉइस्चर होगा वो भी सब दूर हो जाएगा। फिर इसको निकाल दें एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसी पैन में हम डालेंगे, यहाँ हमने ली है सरसों, अगर आपके पास दूसरे कलर की है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने येलो वाली सरसों ली है, एक ब्राउन कलर की आती है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सरसों हमने ली है 5 से 6 चम्मच, ये देखिएगा कितने अच्छे से चटक गई है। और इसमें ही डाल देंगे ये 2 चम्मच कलौंजी, जिसको प्याज का बीज भी बोलते हैं, और इसको भी 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करें। ये भी अच्छे से हो चुका है, इसको अलग प्लेट में निकालेंगे। और यहाँ पर दूसरे पैन में हमने 2 कप मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें जितना भी हम तेल डालेंगे उतना ही अच्छा अचार बनकर तैयार होगा। तो ये अच्छे से सूख ठंडे हो चुके हैं, इनको नहीं ग्राइंड करेंगे। और ये जो मसाले हमने पहले ग्राइंड किए थे इसको डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में, और थोड़ा इनको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा पीसना चाहते हैं तो आप पाउडर भी बना सकते हैं, मगर उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता, इस वजह से हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है इसको। और यहाँ जो ये आम है अब इसमें डालेंगे सब मसाले। यहाँ पर हमने नमक डाला है, हमने आपको 125 ग्राम नमक बताया था, तो यहाँ हम पहले हमने आधा डाल दिया था और आधा अब डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। तो यहाँ पर हमने कुटी हुई मिर्च डाली है, 3 से 4 चम्मच, 4 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो है इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, तो 2 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च के डाले हैं, इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और ये जो हमने ग्राइंड करके मसाले रखे थे ये भी इसमें डाल दें सब। और यहाँ पर हमने जो ये सरसों और कलौंजी को रोस्ट कर किया था वो भी इसमें डाल दिया है। यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हींग, इससे बहुत ही अच्छा खुला खुला जायका आता है इसका, देखिएगा बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होगा ये। अब इसको हम 3 से 4 घंटे इसी तरह से रख देंगे, अब इसमें हम तेल नहीं डालेंगे, इसको ढककर रख देंगे 3 से 4, या ओवरनाइट आप रख सकते हैं तो भी रख। अब यहाँ पर ओवरनाइट हो चुकी है, और ये देखिएगा थोड़ा सा आम ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था, और मसाले थोड़े से इसमें आम के पानी में गीले हो चुके हैं, थोड़े से फूल भी गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे तेल जो हमने खौला कर रख लिया था, इसमें पका हुआ तेल डालें तो अचार बहुत अच्छा चलता है। अब इसे हमने आधा तेल डाला है, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दें मसाले तेल और आम को, और फिर हम थोड़ा तेल डालेंगे बाद में, जो आधा तेल बचा हुआ है वो डालेंगे बाद में। इस तरह से अच्छे से सबको मिक्स कर दें पहले। ये अचार मानिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ऐसे अचार बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और 2 से 3 साल आप इसको आराम से रख सकते हैं। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें, और यहाँ पर चम्मच या कोई भी बर्तन गीला ना हो, बिल्कुल साफ कर लें,
अब इसको हम डाल देंगे एक डब्बे में। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर। अगर आपके पास कोई दूसरा विनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं। इस विनेगर की बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी और अचार एकदम सेव हो जाएगा। इसका बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि अचार ख़राब हो जाएगा। विनेगर डालने से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से एक डब्बे में, बिल्कुल सूखे डब्बे में ये सारा अचार डाल दें। यहाँ पर हमने सब अचार डाल दिया है। अब जो ये बचा हुआ तेल था ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप कम तेल खाना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने विनेगर डाला है तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको दो तीन ट्रिक का यूज़ करना है। जैसे कोई भी चीज़ गीली नहीं हो, बहुत हिफाजत से रखें इसको, और एक विनेगर डाल दें तो आप इनको फॉलो करेंगी तो बिल्कुल भी ये आम का अचार ख़राब नहीं होगा। और इसको रख देंगे हम 2 से 3 दिन धूप में। इस तरह से बंद करके 2 से 3 दिन धूप में रख दें। इससे क्या होगा, धूप भी लगानी ज़रूरी है और ये अच्छे से गल भी जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये देखिएगा 2 से 3 दिन बाद कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है अचार। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इस अचार को फ्रीज में भी रख सकते हैं, मगर आप बाहर भी रखेंगे तो वो भी 2 से 3 साल ये कहीं नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा। ये देखिएगा कितना टेस्टी और चटपटा अचार बनकर तैयार हो चुका है। मसाले आप बिल्कुल ऐसे ही डालें जैसे मैंने डाले हैं, 2 किलो। अगर आप ज़्यादा आम का डालना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल नए जो होते हैं वो भी बिल्कुल डाल सकते हैं, और उनका अचार, आम का जो अचार डालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अल्लाह हाफिज़।